स्पाइनर जो है एक पेस्ट है, इंसेक्ट पेस्ट है, जो एग्स जब इसके हैच हो जाते हैं तो ये जो इसका लार्वा होता है वो टनल करके लीफ के अंदर चला जाता है, और ऐसे स्पॉट्स हमारे आ जाते हैं जहां से अगर हम इसको हटाएंगे वहां से आपको एक छोटा सा लार्वा निकलेगा। यही लार्वा माइनस बनाता है, इसमें टनल्स बनाता है, लेकिन ये उतना डैमेजिंग स्टेज इसका नहीं होता है। इसके बाद ये यहाँ से निकल के प्यूपा की प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हम वाइट वो देखते हैं पैचेस, वहाँ पे इसका प्यूपा होता है, और प्यूपा जो होता है वही एक स्टेज है जहाँ आपको फिजिकली विजिबल हो जाता है वाइट पैचेस, और सबसे अच्छा जो है इसको कंट्रोल करने का तरीका वो वही प्यूपल स्टेज होता है, प्लस प्यूपा ही फिर एडल्ट, प्यूपा से एडल्ट बन जाएगा, और एडल्ट जो है वही एग्स ले करके फिर एग्स इस पर आ जाते हैं, और वो एग्स से फिर यही लार्वा निकलेगा जो लीफ के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे जो सबसे बेटर कंट्रोल हम कर सकते हैं, जो ये यहाँ से निकल सकता है तो वहाँ पे आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये लार्वा इसके अंदर ही, यहाँ पे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है जो लीफ के अंदर चला जाएगा, प्लस आपको जो उसके बाद प्यूपा है, प्यूपा को हम इजीली फिजिकली भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और केमिकल्स के जरिए भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोशिश यही रहनी चाहिए कि यहाँ से एडल्ट ना बन पाए, क्योंकि जो एग बाद में वो डालेंगे और जो इसका एडल्ट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह घूम जाता है, जिसकी वजह से इसका फैलाव होता है। यहाँ पे जो ये लार्वा है यही बाद में यहाँ से निकल करके अपनी मोल्टिंग करके जहाँ से प्यूपा हमारा बन जाएगा। आपको लार्वा के बाद ये जो कन्वर्ट होता है प्यूपा में, जो भी मैं वाइट पैचेस की बात कर रहा था, यहाँ पे प्यूपा ये इसका वो स्टेज होता है, एक डॉर्मेंट स्टेज होता है जहाँ से इसको एडल्ट बनना है। यही प्यूपा स्टेज जब कन्वर्ट हो जाएगा, यही एडल्ट में हो जाएगा कन्वर्ट, और एडल्ट बाद में एग लेइंग करता है। यहाँ पे ये सिटिक एक ही जगह पे है, और इसकी एक खसूसियत है ये वही जगह जोड़ता है, इसको छुपने की जगह चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नहीं है, जहाँ जहाँ आपके क्रैक्स हैं वहाँ पे ये डेवलप हुआ है, जहाँ आपके इसको छुपने की जगह मिली है वहाँ पे ये डेवलप हुआ, और इसमें सबसे बड़ा तरीका है यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, यहाँ पे आप तार का ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको डिस्ट्रॉय करने, नीचे कुछ रखना है जिसपे ये जमा हो जाए, और बाद में यहाँ पे हम कोई भी केमिकल इवन जिसकी कंसनट्रेशन हम ज़्यादा भी रख सकते हैं यहाँ कर सकते हैं प्यूपा के लिए। लेकिन इसीलिए हमने जो अर्ली स्प्रिंग में हमने कहा था क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन का आप यूज़ कर दीजिए यहाँ पे, ताकि ये प्यूपा ही डैमेज हो जाए, और यहाँ पे आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे जो हमने एडहॉक एडवाइजरी जारी की है, ताकि ये जो हमारा प्यूपा है ये इजीली डिस्ट्रॉय हो जाए। और हमें कोशिश करनी है, हर आर्चर्स को कोशिश करनी है इस प्यूपा के बाद एडल्ट ना आने पाए। देखिए इसकी बहुत सारी जनरेशन हैं, 2-4 जनरेशन इसकी हैं, और सबसे है ओवरलैपिंग जनरेशन है, आप हर वक्त इसका प्यूपा भी देखेंगे, आप इसका लार्वा भी देखेंगे, एग स्टेज भी आएगा और एडल्ट भी है। यानी अगर हम केमिकल करते हैं एडल्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडल्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा, और एडल्ट को हम सिर्फ सिटी की ट्रैप जो होते हैं हमारे पास वहाँ उसको बंद कर सकते हैं, वहाँ उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन नॉर्मली आप केमिकल यहाँ पे करेंगे एडल्ट भाग जाएगा और दूसरे भाग में उसकी एगलिंग, और फैला भी उस एडल्ट से होता है, बाकी लार्वा वगैरह से नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए जो विंटर में जो ऑक्सीजन हमारा होता है वहाँ पर हम इजीली हर चीज़ को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जो नॉर्मली हमने एडहॉक एडवाइजरी ज्यूरिंग दिस समर के लिए भी की है, वहाँ पे भी हमने जहाँ भी डिपार्टमेंट की एडवाइजरी फॉलो हुई है वहाँ हमने इस वक्त देखा कि 5 से बिलो परसेंट वहाँ इन्फेस्टेशन है, यानी 95% वहाँ पे कंट्रोल है। लेकिन जहाँ एडवाइजरी फॉलो नहीं की गई है तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फेस्टेशन है। अभी हमने बहुत सारे इलाकों का दौरा भी किया है जहाँ हमने ये देखा कि जहाँ ये केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है या जो भी उन्होंने मैन्युअली उसको कंट्रोल किया है, वहाँ पे बहुत सारी कम इन्फेस्टेशन है। और मेरी गुजारिश यहाँ पे यही रहेगी सभी आर्चर साहिबान से कि आप नज़दीकी अमला जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे राबते में रहने की ज़रूरत है, ताकि इस इंसेक्ट को बिलो थ्रेश होल्ड लेवल जो है वहाँ पर लाया जाए। हाँ ये है, यहाँ पे है अमे सीजन बन पे प्यूपा ये पत ट्राई जब सफ़ी तथि मे वाल पे प्यूपा बनो प्यूपा पत न पे एडल्ट। यमें चीज़न हूँ ख्याल थो ना येज पे हम इजीली कंट्रोल वह जैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे, अगर ये तुलो स्लाइटली तो ये मज़ मगर द्रामुत थोड़ा गुम ड्राई अत ज़्यादा गुमत यह मज़ द्रामुत यहाँ इंसेक्ट वन कहीं मज़ इंसेक्ट द्रा तमी त्रो जाल तथि बनो प्यूपा तथि बनो प्यूपा से कोशिश करें ये सिटेज पे कंट्रोल करना मा नर पे प्यूपा कत मज़
یتھے پہ ژونٹس مزہ ژونٹس بتھ بہن تس چونٹس پہ سہ والن لائق آن پہ سہ ہاؤن لائق آن کھین مگر اگر اکوئے گھر وول کرس فائدہ اگر یس راڑس مزن ساری سارے اکی دون کر دوا تھی وچو آئند اسی نی بمار زانپورس مزہ ساروی کھو زیادہ ہوا تک ونکس ساروی کھو کم یہ جائن اس تک ونکس ساروی کھو زیادہ یہ پھلے کووڈک پہ پہ گھس بیان ڈیم نش مگر کوشش کریں یہ کنٹرول کرنی ضرورت۔